अनुपम मैम, आपका अगला सवाल। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट सवाल सुजलॉन के ऊपर है। मेरे पास सुजलॉन की 30,000 क्वांटिटी है, जो कि मैंने हाल फिलहाल अभी न्यू ईयर होते हुए ही लिया था, 38.2। तो मैं जानना चाहती हूँ, ऑल्दो इसके लिए मेरा थोड़ा ट्रेडिंग का ही रवैया था, बट अगर इफ रिक्वायर्ड, इफ द स्टॉक इज गुड, तो मैं इसको एक साल तक के लिए होल्ड भी कर सकती हूँ। तो इस पे फिर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या सजेशन होगा। बढ़िया है, एग्रेसिव खरीदारी करते हो, ट्रेडिंग का मन बनाया है, लेकिन 4-4.5 रुपए के गेन्स हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा राहुल जी, पता है मैं बाय रोड गया था भोपाल, जाते वक्त आते वक्त एक चीज बड़ी देखी, अब मुझे नहीं पता वो सुजलॉन के किसके वो, मैं नहीं, उस पर नहीं जा रहा, लेकिन विंड मिल्स के वो ब्लेड्स, जी जी उसका जी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत देखा मैंने। तो है तो ये स्पेस बड़ी एक्टिव, मैं कहता हूं आई एम श्योर ऑर्डर्स काफी आ रहे हैं। सुजलॉन कैसा प्लेस है? बहुत अच्छा रीरेट हुआ है, क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड है? 38 रुपए पे खरीदा हुआ स्टॉक सही है या नहीं? सर डेफिनेटली, और आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे काफी सारे मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं, और वो बड़े बड़े ट्रॉली में लंबे लंबे जो अपने विंड मिल्स के जो फैंस होते हैं उनको कैरी करते हुए डेफिनेटली मैंने भी देखा है सर। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी सुजलॉन ओवरऑल काम कर रही है, काफी बढ़िया है। सुजलॉन जो है, अभी रिसेंटली में ही हमने देखा है कि काफी अच्छा टर्नअप हुआ है। जब ये 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से जो ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को, वहां से कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन है, और उसके पहले हमने एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर देखी है। मेरा मानना है कि अगर पेशेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजिशन अगले 12 से 18 महीने की रखनी चाहिए। स्टॉक के पास में काफी अच्छा पोटेंशियल है सुजलॉन के पास में, कि वो आने वाले समय में 55 से 60 रुपए तक के लेवल्स दिखाए, तो इनको अपना लक्ष्य मानते हुए आप डेफिनेटली अपनी पोजिशन को कैरी कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा अपने बाइंग लेवल्स के ऊपर, जो कि अभी बैठ के आ रहे हैं 39 रुपीज पे। जैसे जैसे स्टॉक अपसाइड मूव करे, वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, ये मेरा मानना है कि आपको आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देगा। और आशीष जी, इससे पहले भी अनुपमा मैम के लिए एक सजेशन था, जो क्यूपिड में इन्होंने जो सवाल पूछा था, उसके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जगह पे एक बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो मैम को सुझाना चाहूंगा। बिल्कुल सर, गो अहेड प्लीज राहुल जी, बिल्कुल बताएं, प्लीज गो अहेड सर। जी सर, सर कंपनी का नाम है सर मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, और ये 1981 से काम कर रही है मार्केट में, और जिस तरीके का इनका काम है, राइस एक्सपोर्ट्स का प्राइमरी काम है। ऑल्दो अभी गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस को लेते हुए थोड़ी सी चिंता है, बट ये जो कंपनी है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन एडवांटेज और डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के चलते एक अच्छी तैयारी कर रही है आने वाले समय के लिए। जैसे ही ये स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे एक्सपोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरा मानना है कि एक अच्छी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री राइस प्राइसेस में दिखेगी, जिससे इस कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। मेरा मानना है जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, वहां पे भी मुझे लगता है कि अच्छा समय है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। जैसे ही स्टॉक 18 रुपए के ऊपर ट्रैवल करना चालू करेगा, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि नियर टर्म में इसको करीबन 22 रुपए के आसपास तक ले जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 30 रुपए के लक्ष्य आपको बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड में खरीदारी की राय रहेगी, जो कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आपको ले जानी पड़ेगी, वो जो रहेगा 14 रुपए के आसपास। तो मेरा मानना है कि जो आपके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप जो क्यूपिड में करेंगे, उसके जगह पे आप मिष्ठान फूड्स के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये लीजिए अनुपमा मैम, और सुजलॉन जा रहा है 55-60 तक, 30,000 क्वांटिटी, पूरा मुंबई का पैसा तो आप पुणे ले जा रहे हो।